प्लीज यार ये काम जो है वो कभी भी मत करना, और इस आदत को खत्म करके यूनिवर्सिटी आना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मुनीत ताहिर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर बात करूंगा यार, और जो है वो उसे मिस्टेक कहो आप या उसको जो है एक हैबिट कहो, कुछ भी कहा जा सकता है उसको। अच्छा, तो आपको करना ही है कि आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स यार, एट द लास्ट इफ यू थिंक के आई डिजर्व, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा, तो दोस्तों ऐसा है कि मैं जब जो है ना स्टार्ट से मेरी एक आदत रही है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा टीचर ओरिएंटेड बंदा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब टीचर ओरिएंटेड से मेरा जो मतलब है ना वो ये है कि यार जब जो टीचर अच्छा लग रहा है उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, उसके सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करना। अब एक टीचर है जो कि अच्छा नहीं है ना, सेंस कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, या मे बी किसी को भी उसकी समझ नहीं आ रही, तो उसका वो वाला सब्जेक्ट जो है वो उस तरह उसे टाइम ना देना, उसको पढ़ना नहीं। तो यार ये वो चीज़ है ना कि यार कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। इस आदत को मत लाना यार, स्पेशली यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत लाना यार, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा, और पहले भी बंदे को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब मैं आपको अपने एक छोटी सी बात बताऊं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार कितना ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारे एजुकेशन पे। कि हम लोग जो है वो सेकेंड ईयर में थे। सेकेंड ईयर में तो केमिस्ट्री जो है काफ़ी मुश्किल मानी जाती है सेकेंड ईयर की, स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जो है, जो पहले दो तीन चैप्टर्स और लास्ट वाले चैप्टर्स हैं वो बहुत चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं, तो मुश्किल है। तो हमारे बहुत अच्छे टीचर थे यार, अल्लाह खुश रखे, शायद सर को जो है उनने बहुत अच्छे से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई। अब लास्ट में क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने तकरीबन पढ़ ली हुई थी और हमारे टीचर चेंज हो गए, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब जो दूसरे टीचर आए थे वो भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मेरी बुरी आदत जो है, और यह आपको इधर एक और मैं बात बताऊं कि आगे बढ़ने से पहले, कि ये वो चीज़ है कि जो मेरे बाबा ने ना, मतलब बहुत साल पहले, मुझे नहीं याद कि पता नहीं 7th में होगा या 8th में होगा, मुझे ये कहा था कि यार ये चीज़ आपको आगे जा के ख़राब करेगी, ये अपनी जो इतनी ज़्यादा जो है आप जो टीचर ओरिएंटेड हो जाते हो, इस चीज़ को ख़त्म करो यार, सही है। डू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, डू थिंग्स एंड स्टडी फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन, स्पेशली नॉट फॉर द टीचर के यार ये अच्छा है, तो बस इस आदत को ख़त्म। तो मौसम देख लें बाहर यार, सही बारिश लगी हुई है। अच्छा यार, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब क्या हुआ कि टीचर जब चेंज हुए तो मेरी वही बुरी आदत जो है वो एक्टिवेट होगी, और मैंने कहा यार अब नहीं है, अब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करता था लेकिन वो दिल से ना बंदा नहीं कर सकता है काम, क्योंकि वो एक चीज़ होती है, और मैं भी यार बंदा इस चीज़ को ख़त्म नहीं, बिकॉज मैंने ट्राई किया भी कि यार मैं ऐसे ना हूँ यार, वाई डज इट इवन मैटर कि आपको कौन पढ़ा रहा है और कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यू कैन जस्ट सर्च फॉर द लेक्चर्स ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन यूज़ गूगल एंड मैनी अदर रिसोर्सेज टू जस्ट गेट इट डन। यू डोंट नीड एनी बॉडी कि वो आपको पढ़ाया गया उसकी आपको समझ आएगी, बिकॉज ऐसा होता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर की आपको ठीक से समझ आ रही हो, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ये सीन होता है कि यार अक्सर ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती है टीचर की, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही होती, लेकिन खैर इन बातों को बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का मेन फोकस मेरा ये है कि यार इस आदत को लेकर मत आना यार, यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल भी ना आना, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपके लिए। अभी भी मैं ट्राई करता हूँ, बट अब भी ये आदत थोड़ी थोड़ी मुझ में एग्जिस्ट करती है, और आई एम ट्राइंग कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर लिया जाए। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि यार बस ये एक बड़े भाई की या छोटे भाई की हैसियत से मैंने कहा आपको, आपके साथ ये बात मेरे जहन में थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा यार, मज़ीद ये कि अपना बहुत ख्याल रखें, और आपके एग्ज़ाम्स जो है अगर आप FSC वगैरह में तो आने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, और दैट्स इट फॉर टुडे। और इस छोटी सी वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट मीन्स अ लॉट। लाइक और कमेंट भी किया कहना, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है, और जितनी आपकी सजेशंस होती हैं मैं सबको पढ़ता हूँ, सबको नोट भी करता हूँ, और आई ट्राई के जो है उन सब सजेशंस पे जो है मैं वीडियो बनाता रहूँ।
तो यूं ही आते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।